आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोग सब लोग प्लीज इसको जरूर ध्यान से समझिए, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे बताइएगा. तो आज जो हम ये नींव रखने जा रहे हैं ओरिफ्लेम की, इसको हम कहते हैं गेटिंग स्टार्ट. यस, आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी के कहने पर मोटिवेट होकर या इंस्पायर होकर ज्वाइन हुए हैं ओरिफ्लेम में, राइट? तो आपको जिसने भी बताया है ओरिफ्लेम का और आपने बोला यस आप ओरिफ्लेम ज्वाइन होना चाहते हो, आप गाड़ी में तो बैठ गए पर इसको गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप एक डायरी ले लें अगर हो सकता है आपके आसपास है. जब भी आप ओरिफ्लेम की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो एक डायरी बनाएं और उसमें जो भी भगवान को आप मानते हैं उसका एक नाम लिखें ऊपर और अपनी जर्नी स्टार्ट करें. आज के लिए खास जरूरी है कि आप एक डायरी हाथ में लेके रहेंगे और पेन लेके रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा. जी नहीं, मैं पढ़ाने नहीं जा रही हूँ आज आपको, पर जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो आप उसमें लिख सकते हो और एनी टाइम आप उसको खोल के देख सकते हो कि आपको ये जर्नी में स्टेप वाइज कैसे आगे 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 बढ़ते जाना है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई से. यस, वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब ये होता है कि मैं ओरिफ्लेम में क्यों हूँ, राइट? मैं ओरिफ्लेम में क्यों आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या चाहती हूँ ओरिफ्लेम. तो सबसे पहले अगर मैं मेरी ही बात करूं, मैं ओरिफ्लेम में आई थी क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है नई नई जगह पे घूमना. सेकेंडली, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, तो मैं एसोसिएट हुई ओरिफ्लेम से और आज तक एसोसिएटेड हूँ. तो आज मेरी आइडेंटिटी है ओरिफ्लेम, तो आज मैं ओरिफ्लेम को एसोसिएट करती हूँ, मेरी पहचान बन गई है ओरिफ्लेम. ना ही सिर्फ बॉम्बे में, बॉम्बे से बाहर भी आज लोग मुझे जानते हैं ओरिफ्लेम के नाम से. तो ये पहचान, ये रिकग्निशन मुझे ओरिफ्लेम से मिली. उसके बाद एक और मेरा सपना था कि मुझे पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं. तो मुझे लगा कि ये तीनों चीजें मुझे ओरिफ्लेम से मिल सकती हैं, तो ये मेरा वाई था कि वाई आई एम इन ओरिफ्लेम. तो ऐसे सबसे पहले अगर आपने अपनी डायरी और पेन ले लिया है तो आपको अपना वाई लिखना है कि वाई आर यू ओरिफ्लेम, आपका गोल क्या है, आप ओरिफ्लेम से चाहते क्या हो. वो गोल हो सकता है आपका पैसा, वो हो सकता है आपकी ड्रीम कार, वो हो सकता है आपके फॉरेन ट्रिप्स या आपका ड्रीम हाउस या बच्चों की एजुकेशन, कोई कुछ भी आपका वाई हो सकता है. जैसे मैंने आपको मेरा वाई शेयर किया, तो आपने अब जब लिख लिया वाई, आपने लिखा सबने वाई अपना, आपके दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, आपके जितने भी वाई हो आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपका वाई होना क्लियर बहुत ज्यादा जरूरी है. जब आप अपना वाई देते हो कि यस आपकी चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं, ये मेरा वाई है सपोज, तो मुझे पैसे कमाने हैं, पर कितने पैसे कमाने हैं और कैसे कमाने हैं अब हमें उसके ऊपर काम करना है. पहले मेरा वाई क्लियर हो गया कि मुझे पैसे कमाने हैं, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कितनी देर में कमाने हैं. अगर मैंने ये सोचा, अब आप में से बहुत लोग हो सकते हैं, कोई बोलेगा मुझे 10,000 कमाना है, कोई बोलेगा 25 कमाना है, कोई बोलेगा 50 कमाना है, कोई बोलेगा मुझे 1,00,000 कमाना है, कोई बोलेगा करोड़ों में कमाना है. तो सबकी चॉइस अलग अलग है, पर हमें उसका वेन क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मुझे कब तक कमाना है, राइट? तो उसके लिए हमारे कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए, वो हमने लिख लिया, अब कितना घंटा मैं उसमें काम करूंगी और मुझे कब तक वो चाहिए. तो आपको ये लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे 50,000 रुपीज कमाना है नेक्स्ट 6 मंथ्स में. तो ऐसे ही आपको लिखना है कि आपको कितना कमाना है, और 3 महीने में, 1 साल में कि 1 महीने में, वो आपको लिख लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात कर रही हूँ तो मुझे 50,000 कमाना है नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, तो मैंने वो लिख लिया कि मुझे नेक्स्ट 6 महीने में अपने आप को इस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके 50,000 की इनकम चाहिए. अब मुझे वो करना कैसे है, उसके लिए मुझे बहुत जरूरी है कि अपने वर्किंग आवर्स फिक्स करने हैं. यस, ये घर हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ये वर्क फ्रॉम होम है, पर घर में हमारी और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो हमको ये फिक्स कर लेना है कि मुझे 2 घंटा ओरिफ्लेम को देना है, 4 घंटा देना है कि फुल डे देना है, कि मुझे कब कब
अपने घर से फ्री होकर उस काम में बैठना है। तो आपके जो कन्वीनियंट टाइम है वो आपको तय कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह के 2 घंटे दे सकते हो, आप शाम के 2 घंटे दे सकते हो, आप रात के 2 घंटे दे सकते हो, या आप बोलो कि नहीं मैं 3 से 6 काम कर सकती हूँ। तो आपकी कन्वीनियंस, आप जब फ्री होते हो अपने घर के कामों से, तब आपको ही तय करना है कि आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कितने घंटे ओरिफ्लेम के लिए दे सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए ओरिफ्लेम से, उसके ऊपर। अब आपको वो लिख लिया, सपोज मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे 50,000 इनकम कमाना है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो मैंने दोपहर का टाइम फिक्स किया था। जब मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं या सो रहे होते हैं, तब मैं 3 से 6 या 3 से 7 बजे तक मैं ओरिफ्लेम करूंगी। तो वो मैंने वर्किंग आवर्स अपने डिसाइड कर लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये ओरिफ्लेम कैसा बिजनेस है, टीम वर्क है ना, टीम वर्क है ना, हमें इसमें लोग चाहिए। तो टीम वर्क में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाओगे, वो लिस्ट में आप अपने कॉन्टेक्ट्स लिखोगे, जिन जिनको आप अप्रोच करना चाहते हो ओरिफ्लेम में। वो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ये मिनिमम लोगों का आपको नेम बैंक हम बोलते हैं, नेम बैंक बनाना है कि जिन जिन लोगों को आप ओरिफ्लेम के लिए अप्रोच करने वाले हो, उनकी आप एक लिस्ट बनाओगे जिसको हम नेम बैंक बोल रहे हैं, जिसमें मिनिमम 30 और मैक्सिमम 100 नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें रोज धीरे 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 आप नाम ऐड करते जाओ, ठीक है। अब ये लिस्ट बनानी कैसे है, सबसे पहले इसमें आपके आएंगे इनर सर्कल के लोग। इनर सर्कल के लोग कौन होते हैं, मेरी फैमिली के लोग, मेरे सिस्टर हो गई, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हो गए, मेरे बच्चों की स्कूल के फ्रेंड्स की मम्मीज हो गई, मेरे नेबर्स हो गए। तो ये सब मेरे इनर सर्कल में आते हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो हमको इन लोगों की पहले एक लिस्ट बना लेनी है। और ये सबसे पहले जरूर ध्यान रखना, जब आप लिस्ट बना रहे हो, आपको अपनी एजम्पशंस नहीं लेनी कि वो लेगी कि नहीं लेगी, वो कुछ करेगी कि नहीं करेगी, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। ये प्लीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम लोग खुद ही एजम्पशंस कर लेते हैं, नहीं नहीं वो नहीं करेगी, या वो मुझसे कुछ नहीं खरीदेगी, उसको कोई जरूरत नहीं। आपको अपनी एजम्पशन को साइड पे रखना है, आपको अभी सिर्फ एक लिस्ट तैयार करनी है कि आपको किन लोगों को अप्रोच करना है। आप इसमें अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स को भी रेफर कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है इनर सर्कल की, जिसमें आपके क्लोज फ्रेंड्स आ गए, फैमिली के लोग आ गए, आपके रिलेटिव्स आ गए, आपके बिल्डिंग के लोग आ गए, वो सब लिस्ट आपने बना ली। उसके बाद आती है आउटर सर्कल, जिसमें आपके जिनको आप ज्यादा क्लोज नहीं हो पर आप जानते हो, तो उन लोगों को आप फिर उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे कई ऐसे लोग होते हैं जो हमको बोलते हैं कि नहीं मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, पर हम उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। तो हमें इन इन लोगों को, सपोज मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, इनको डिवाइड करना है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले आएगी उसमें कस्टमर की कैटेगरी। इन लोगों को जब हमने लिस्ट बना ली, तो कैसे अप्रोच करना है, क्या बताना है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बात करनी है, क्या बताना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ये सब बता सकते हो, आपको नॉलेज है, तो आप वेरी गुड कर सकते हो। पर अगर आपको कहीं पर हिचक है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने लिस्ट तो बना ली, अब करना क्या, तो हम आपको सिखाएंगे अपनी आगे वाली मीटिंग्स में, या आपकी अपलाइन है, या आप जिसके साथ ज्वाइन हुए, वो आपको बताएंगे कि इन लोगों से अभी कैसे बात करनी है। तो आपको जब आप बात करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे यस मुझे कुछ ना कुछ ओरिफ्लेम का लेना ही था, अच्छा वो आपने मुझे बताया, और मुझे ये प्रोडक्ट लेने हैं। तो वो लोग आपके कौन हो गए, कस्टमर्स। तो आपको उनको कस्टमर्स की लेवल उसमें कैटेगरी में डाल देना है। आपको ये बोलेंगे यस मुझे भी तुम्हारे जैसा कुछ बिजनेस करना है, मैं देख ही रही थी, अच्छा हुआ तूने बताया, तो यस मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं। तो हम उनका नाम लिख देंगे बिजनेस की कैटेगरी में, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे ना ही कुछ चाहिए और ना ही बिजनेस करना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो उसकी चॉइस है, हम उनको डाल देंगे। उनको हम फिर ये करेंगे, उनसे बात करेंगे और बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम, आपको कुछ नहीं करना, पर आपके आपकी तरफ से मुझे एटलीस्ट 5 से 10 लोगों की रेफरेंस दो, क्योंकि उसके तो रिलेटिव्स हैं, उसमें कोई हो सकता है जो बिजनेस करना चाहता हो, उसमें कोई हो सकता है जिसको शायद ओरिफ्लेम का कोई प्रोडक्ट चाहिए। तो हम अपने उन लोगों से एटलीस्ट 5 से 10 रेफरेंस लेंगे, लोगों का नाम लेंगे,
जो हमें हेल्प करेंगे हमारे बिजनेस को ग्रो करने में या हमसे कुछ ऑर्डर इकट्ठा करने में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लिस्ट। अब हमें करना क्या है, हमारी लिस्ट तैयार हो गई। अब हम अपनी अपलाइन की हेल्प से उन तीन रोज लिस्ट में से 3 या 5 नए लोगों को फोन करेंगे और उनसे बात करेंगे, उनको ओरिफ्लेम के बारे में बताएंगे, उनको हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। ऐसे बात करते करते हमें पता चलेगा कि कुछ लोग कस्टमर्स हैं जो मुझसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब हम जो कस्टमर हैं मेरे, उनको मुझे कैसे आगे लेकर जाना है, उनको मुझे बताना है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम जो हमारी मीटिंग्स होती है, जैसे अभी हमने लास्ट वीक मीटिंग करी हेयर स्पा की, हमने हेयर के बारे में बताया था, हमारे हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बताए थे। तो हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज देंगे, जो हमारी प्रोडक्ट्स की मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, उसमें उनको ज्वाइन करवाएंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स इकट्ठा कर पाएं और उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दे पाएं, प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर पाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स कलेक्ट कर पाएं। ये हो गए हमारे कस्टमर्स। दूसरी कैटेगरी है हमारी बिजनेस की। अब बिजनेस में हमारे वो लोग आएंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, मनी कमाना चाहते हैं, एक अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं। उन लोगों को हमारी जो रेगुलर लीडर्स की या हमारे अपलाइन की, हमारे डायरेक्टर्स की जो रूम मीटिंग्स हो रही है, जिसमें हम अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हमारा सक्सेस प्लान शेयर करते हैं, हमारी सब सक्सेस प्लान के बारे में बताते हैं, उन मीटिंग्स में आपके उन लोगों को जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं ज्वाइन करवा सकते हो। और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग, जो उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उन लोगों को भी आप उन मीटिंग्स में ज्वाइन करा सकते हो। और इस तरह से आप अपनी एक टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो अपनी अपलाइन की हेल्प से और आपका बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपके पास 2 लोग आ जाते हैं, एक कस्टमर और आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है और एक आपके बिजनेस वाले, तो आपकी एक टीम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हम ओरिफ्लेम में कैसे मनी अर्न कर सकते हैं। तो इसमें हम 3 तरीके से मनी अर्न कर सकते हैं। पहले होता है हमारा इमीडिएट इनकम। जैसे ही हम ओरिफ्लेम में ज्वाइन होते हैं, कंपनी हमें 20% डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर देती है। यही तो फायदा है ओरिफ्लेम का। यस, जब हम ओरिफ्लेम में ज्वाइन करते हैं तो हमारा सबसे पहला बेनिफिट होता है हमारा डिस्काउंट, यानी कि हम सेल्फ यूजर बनते हैं, हम अपना ऑर्डर डालते हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे शैम्पू हो गया, सोप्स हो गए, शावर जेल हो गए, पाउडर हो गए, ये जो हमारी घर की एसेंशियल आइटम्स हैं जो हम कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, तो हमें कहीं बाहर से कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। पर जब हम ओरिफ्लेम में ज्वाइन करते हैं तो हमें सबसे पहला बेनिफिट यही मिलता है कि हम ओरिफ्लेम से अपने ही प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट ले सकते हैं। वो मेरा होता है इमीडिएट प्रॉफिट, वो मेरा डिस्काउंट होता है जो मुझे मेरे प्रोडक्ट्स बाय करने पर मिलता है। उसके बाद ये डिस्काउंट तो मुझे मिल ही रहा है, तो मुझे दिमाग में ये आता है क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रेकमेंड करने लगूं और उनको सेल करने लगूं। जैसे ही वो प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को वो रेकमेंड करना स्टार्ट किया। यस, ये कोकोनट ऑयल है या ये टेलकम पाउडर है या ये फेस वॉश है, मैंने यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप भी जरूर इसको यूज करें। ऐसे मैं ऑर्डर्स कलेक्ट करती हूँ और मैं जब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेल करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं उसके ऊपर इमीडिएट इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देती हूँ, जो मुझे 25% कमीशन पे मिलता है। ये 2 तरीके से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे वेलकम प्रोग्राम। क्या है ये वेलकम प्रोग्राम? यस, ये बहुत काम की चीज है, इसे प्लीज आप ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए कि ये वेलकम प्रोग्राम है क्या। ये वेलकम प्रोग्राम हमें 90 डेज का एक पैकेज दिया जाता है। मुझे ये वेलकम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें गिफ्ट्स मिलते हैं और मुझे गिफ्ट्स मिल बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई गिफ्ट देता है, क्योंकि कहते हैं ओरिफ्लेम है ही पिटारा ऐसा जिसमें हर महीने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते ही रहते हैं। तो यस, ये 90 डेज का एक पैकेज है, एक गिफ्ट का पैकेज है जो कंपनी हमें देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं इसे कनेक्ट कैसे करवा सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश करती हूँ। आप सबके मोस्टली यहाँ पे बच्चे होंगे, तो हम क्या करते हैं अपने बच्चों को
ये एक एग्जाम्पल, अपने बच्चों को हम क्या बोलते हैं कि आप बेटा पढ़ोगे ना तो ही मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी, आप बेटा पढ़ोगे ना तो ही मैं आपको साइकिल लेके दूंगी, या मूवी देखने चलेंगे, या हम आपको उनका मनपसंद गिफ्ट लेकर देंगे। हम करते हैं ये नॉर्मल रेगुलर बच्चों के साथ घर पे क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को ये समझ नहीं है कि वो आज पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, पर हमें पता है कि अगर आज मेरा बच्चा आज पढ़ लेगा तो ही तो कल जाके वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो इसीलिए मैं उसको ये बोलती हूँ कि बेटा आप पढ़ोगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, तो इस बहाने वो गिफ्ट के लिए वो पढ़ लेते हैं। सेम वे ये 90 डेज का हमारा वेलकम प्रोग्राम होता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर मैंने ये 90 डेज कर लिया तो ही तो मैं आगे चलकर आगे वाले दिनों में मैनेजर बनूंगी, डायरेक्टर बनूंगी, डायमंड डायरेक्टर बनूंगी और लाखों और करोड़ों में पैसे कमा पाऊंगी। यस, आपने सही सुना, लाखों करोड़ों में पैसे कमा पाऊंगी। तो इसीलिए ये 90 डेज का वेलकम प्रोग्राम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें करना क्या है, 90 डेज में हमें 3 महीने यानी कि हमें 30 डेज के 3 मंथ्स के प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसमें कंपनी हमें ये बोलती है कि अगर फर्स्ट 30 डेज में आपने अपना 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस किया तो आपको 1000 रुपीज सीसी क्रीम, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, 1000 रुपीज की सीसी क्रीम आपको सिर्फ 200 रुपीज में गिफ्ट मिलेगी। यस, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सीसी क्रीम बहुत अच्छी क्रीम है, ओरिफ्लेम की जीजी की क्रीम है, तो ये क्रीम मुझे मिलती है सिर्फ 200 रुपीज में। और मुझे करना क्या है, अपने फर्स्ट 30 डेज में 100 पॉइंट्स का ऑर्डर इकट्ठा करना है और प्लेस करना है, जिसमें मैं अपना ऑर्डर भी ले कर सकती हूँ, अपने फ्रेंड से भी ऑर्डर इकट्ठा कर सकती हूँ। और जब मैं अपना फर्स्ट 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मुझे इमीडिएट इनकम मिलती है अप्रॉक्स 1000 से 1500 रुपीज का, मुझे इमीडिएट प्रॉफिट भी मिलता है और साथ में ये सीसी क्रीम मिलती है 1000 रुपीज की सिर्फ 200 रुपीज में। उसके बाद आता है सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में हमें वापस से 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करना होता है और उसमें भी मैं वापस अपनी इमीडिएट इनकम अर्न करती हूँ जो मैंने पहले बताया, और मुझे ये 3 गिफ्ट्स की ऑफर मिलती है, जिसमें हमारे पास 2 परफ्यूम्स के सेट है और द वन का लिपस्टिक और लाइनर का सेट है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1400 के अप्रोक्स, ये मुझे मिलता है सिर्फ 200 रुपए में। यस, ये मेरा सेकेंड वेलकम गिफ्ट मिलता है। उसके बाद जब मैं थर्ड वेलकम प्रोग्राम में आती हूँ, यानी कि अपनी जॉइनिंग के थर्ड मंथ में आती हूँ, तो मुझे वापिस 100 पॉइंट्स प्लेस करने पर ये बैग मिलता है, हागा कलेक्शन का बहुत ही सुंदर बैग है, ओवरनाइट बैग है जो मुझे मिलता है, 3500 का बैग है ये, जो मुझे मिलता है सिर्फ 200 रुपए में। यस, ये तीनों गिफ्ट्स मैं ले सकती हूँ, या आप में से जो भी अभी ज्वाइन हुए हमारे साथ, ये सब तो आप सब लोग 3 महीने का ये वेलकम गिफ्ट ले सकते हैं सिर्फ 200 200 200, यानी कि 600 रुपए में ये सारे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी इमीडिएट इनकम भी अर्न करते हो, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो 3 महीने में आप अप्रोक्सीमेट 8 से 10 हजार का बेनिफिट कंपनी से ले लेते हो। यस, इतना ही नहीं, जब आप अपने 100 पॉइंट्स लेते हो तो उसके ऊपर तो आपको वो गिफ्ट्स कंपनी देती ही देती है, पर जैसे ही आप अपने, सपोज आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए और आप अपने 150 पॉइंट्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 100 करना है, या आप जितने भी पॉइंट्स का ऑर्डर आपको मिलता है आप जरूर डाल सकते हो। जैसे जैसे आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे आपके बेनिफिट्स बढ़ते ही जाएंगे। तो 100 पॉइंट्स की अभी हमने बात करी, अगर आप 150 पॉइंट्स करते हो तो आप बन जाते हो बीसी, यानी कि बिजनेस क्लास कंसल्टेंट। यस, बिजनेस क्लास कंसल्टेंट बनने पर आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं, आप हमारे कंपनी की तरफ से ले सकते हो 2 प्रोडक्ट्स 40% डिस्काउंट पे। यस, सपोज जुलाई का महीना है, मुझे बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले, मैंने 150 पॉइंट्स का ऑर्डर डाला, तो मुझे नेक्स्ट मंथ में अगस्त में ये बेनिफिट मिलता है कि मैं अगस्त के कैटलॉग से कोई भी अपनी चॉइस के 2 प्रोडक्ट 40% डिस्काउंट में ले सकती हूँ। 40 तो मिलता ही मिलता है, प्लस साथ में 20% डिस्काउंट मेरा एज अ मेंबर का बेनिफिट भी मिलता है, तो यानी कि
40+20 टोटल 60% डिस्काउंट मुझे मिल जाता है दो प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज कोई एक परफ्यूम है मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो 1000 रुपीज की है, पर मैं ये सोच रही हूँ परफ्यूम तो बहुत अच्छी है, मुझे अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट करनी है, पर 1000 रुपीज थोड़े ज्यादा हैं, तो मैं वही परफ्यूम बस बिजनेस क्लास में जब जाके लेती हूँ तो मुझे वो परफ्यूम 1000 रुपए की पड़ती है सिर्फ 400 रुपए में। अच्छा है ना ऑफर? यस। तो ये बिजनेस क्लास ऑफर हम सबके लिए ओपन रहता है। उसके बाद आता है सुपर बिजनेस क्लास। यस, अगर मेरे पास और भी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हूँ और मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स करती हूँ, तो मुझे जो बिजनेस क्लास में पहले 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे, अब वो 3 प्रोडक्ट मैं बिजनेस क्लास में ले सकती हूँ, जिसको हम बोलते हैं सुपर बिजनेस क्लास। यस, इतना ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया ओरिफ्लेम पिटारा है गिफ्ट्स का, बहुत सारे गिफ्ट्स। यस, इतना ही नहीं, हमें एक एक्टिविटी ऑफर भी मिलती है अपने पर्सनल ऑर्डर प्लेस करने पर। तो इस महीने जब आप हमें 75 पॉइंट्स का ऑर्डर अपने अकाउंट में प्लेस करते हो तो बहुत ही सुंदर व्हाइट कलर का वॉलेट, मोबाइल कवर, मोबाइल का वॉलेट है, एक बहुत ही सुंदर बैग है जो हमें, हम आपको पिक्चर शेयर करेंगे, वो वॉलेट व्हाइट कलर का मोबाइल का हमारा वॉलेट है, वो हमें मिलता है सिर्फ 200 रुपीज में, जो इस महीने की एक्टिविटी ऑफर है। जो भी लोग इस महीने 75 पॉइंट्स का ऑर्डर डालेंगे उनको वो पर्स मिल जाएगा अपने ऑर्डर के साथ ही गिफ्ट में। यस, तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो इस महीने के ऑर्डर डालने पर। ये तो हो गई गिफ्ट्स की बात, अब बात करते हैं हमारी इनकम की। यस, कहीं ना कहीं हम सबको बहुत अच्छा लगता है पैसे आते हुए, लक्ष्मी आती हुई हम सबको बहुत अच्छी लगती है, तो हम क्या करें कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी मंथली इनकम जनरेट कर पाए। अभी तक हमने बात करी गिफ्ट्स की, अभी तक हमने बात करी इमीडिएट इनकम की, जो प्रोडक्ट सेल करके मुझे मिल रहा है। अब हम बात करते हैं मंथली इनकम की, कि कैसे मैं ओरिफ्लेम से अपनी मंथली इनकम जनरेट कर पाऊं ताकि मैं अपने घर के खर्चे उठा पाऊं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं। तो वो कैसे आप कर सकते हो, जो आपने लिस्ट हमने पहले आपको बताया प्रिपेयर करी थी नेम बैंक, उसमें से ही डेली आपको एटलीस्ट 3 नए लोगों से बात करनी है, उनको ओरिफ्लेम बताना है, उनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, हमारी मीटिंग्स उनको ज्वाइन करानी है, और धीरे 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 उन लोगों से बात करके अपनी एक टीम क्रिएट करती जानी है। और आप जब उसकी टीम को क्रिएट करते हो तो आपका मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। ये मंथली इनकम होता है मिनिमम 200 रुपीज और मैक्सिमम अगर मैं आपको बोलूं तो 5 करोड़ का चेक। यस, 5 करोड़ का चेक ऑलरेडी एक लेडी ले रही है। यस, इसका पोटेंशियल है मिनिमम 200 एंड मैक्सिमम हम बोले तो 5 करोड़ रुपीज। जी हाँ, ये कैसे मिलता है, ये आपको स्टार्ट हो जाता है 200 पॉइंट से मिलना, जब आप अपना पर्सनल और अपना ग्रुप पॉइंट 200 रुपीज 200 पॉइंट डालते हो तो आपको आपका चेक आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब आप 600 पॉइंट्स करते हो तो आप 6% के लेवल पर आते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ स्लाइड पर, जब आप अपना 6% का लेवल करते हो यानी कि आपके ग्रुप पॉइंट 600 हो जाते हैं तो आपको चेक आना स्टार्ट हो, तो आपको और चेक बढ़ जाता है। जब आप 1200 पॉइंट्स करते हो तो आप 9% पे आ जाते हो, जहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम हो जाती है 2500 से 3000 रुपए। जब आप 2400 पॉइंट करने लगते हो आप एक मैनेजर बन जाते हो और आप 12% के लेवल पर आ जाते हो, जहाँ पे आपकी इनकम हो जाती है 7000 से 8000 रुपए। जब आप 4000 पॉइंट्स करते हो तो आप 15% मैनेजर बन जाते हो और आपकी इनकम हो जाती है अप्रोक्स 15000 रुपए। जब आप 6000 पॉइंट्स करने लगते हो तो आप 18% मैनेजर बन जाते हो और आपकी इनकम हो जाती है 25 से 30000। जब आप 10000 पॉइंट करने लगते हो तो आपको कमीशन मिलती है 22% और आपका चेक हो जाता है 35 से 40000 रुपए महीना। यस, ये इनकम महीने की मैंने आपको बताया, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आपकी टीम में आप लोगों को ज्वाइन करते हो। जरूरी नहीं है कि ये सारे लोग आपको, जैसे मैंने बताया आपको ही ज्वाइन करना है,
बिल्कुल जरूरी नहीं है आपने अपने साथ दो लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने अपने साथ और चार लोगों को ज्वाइन कराया, उन्होंने अपने साथ और लोगों को ज्वाइन किया, तो ये वाया 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 वाया। आपके साथ टीम को ज्वाइन करना है, आपको अपनी टीम को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है, उनको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी है, और ये सब करने में आपकी टीम लीडर आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और आपको हेल्प करती है एक अपनी टीम क्रिएट करने में, और आपको आपके सपने तक पहुंचाने में मदद करती है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको लिखना है कि आप कितना, आपका गोल क्या है, आपका वाय क्या है, आप कहाँ तक ओरिफ्लेम में पहुंचना चाहते हो, कब तक पहुंचना चाहते हो, तो आप इस तरीके से इस चीज को अचीव कर सकते हो। अब आपको चूज करना है कि आपके ऑप्शन क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारे पास तीन चॉइसेस रहती हैं ओरिफ्लेम में। जो भी आप लोग ज्वाइन हुए हैं, ये तीन चॉइसेस आपके पास है। जैसे फर्स्ट है सेल्फ यूजर, यानी कि आप सेल्फ यूजर भी बन सकते हो। आप बोलोगे कि पहले मैं यूज करूंगी, मैं ट्राई करूंगी ओरिफ्लेम, तो आप जरूर जब सेल्फ यूजर बनते हो, आप ट्राई करते हो, आपको क्या मिलता है, आपको 20% डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। आप जो भी शॉपिंग ओरिफ्लेम से करते रहोगे, यानी कि आपको अपनी सिर्फ दुकान बदलनी है। अभी आप जहाँ बिग बाजार से ले रहे हो या डी मार्ट से ले रहे हो, कोई भी आपको उसमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है, पर जब आप वही चीजें अपनी असेंशियल प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम से लेना स्टार्ट करते हो, यूज करना स्टार्ट करते हो, तो ओरिफ्लेम आपको ये बेनिफिट देता है कि आप उसमें हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट पा सको। तो ये आपका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट होता है, जब आप तो डिस्काउंट पा ही रहे हो, तो क्यों ना मैं इंजॉय करूं अपने गिफ्ट्स को भी, जो हमें एक्टिविटी ऑफर मिलती है, और मैं प्रोडक्ट्स को सेल करना भी स्टार्ट कर सकती हूँ, सेलर बन जाती हूँ, लोगों को प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हूँ, और उसके ऊपर मुझे इमीडिएट इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इमीडिएट कैश मेरे हाथ में आता है। तो आप सेल्फ यूजर के साथ साथ सेलर भी बन सकते हो। उसके बाद आती है करियर अपॉर्चुनिटी। यस, करियर अपॉर्चुनिटी में आप बोलते हो कि यस, मुझे 2 घंटा 4 घंटा फ्री मिलता है, मैं कुछ काम ढूंढी रही हूँ, तो वाई नॉट ओरिफ्लेम। मैं ओरिफ्लेम को एक करियर के जैसे लेती हूँ, और अपने साथ साथ और लोगों को भी अपनी टीम में ज्वाइन करवाती हूँ, और एक अच्छी खासी इनकम, जैसे मैंने अभी आपको शेयर किया, कमाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो होती है मेरी करियर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सेल्फ यूजर भी हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम के यूज करती हूँ, मैं सेलर भी हूँ, मेरे पास मेरे पास कुछ कस्टमर्स भी हैं जिनको मैं रेकमेंड करती हूँ, और वो मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं इमीडिएट भी अर्न करती हूँ, और करियर अपॉर्चुनिटी भी शेयर करती हूँ लोगों के साथ। यस, मैं नेटवर्कर हूँ, आज बहुत सारे 300 से 400 लोग मेरी टीम में ज्वाइन है, मैं उनको करियर अपॉर्चुनिटी बताती हूँ, और उनको एक जरिया बनती हूँ उनको उनकी सपनों को पूरा करने के लिए। तो आपके पास ये चॉइस है, आप तीनों में से तीनों भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, आप सिर्फ करियर लेना चाहते हो, आपकी चॉइस है आप इसको ओरिफ्लेम को कैसे लेना चाहते हो और अपने सपनों को ओरिफ्लेम के थ्रू पूरा करना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। मैंने मेरी कोशिश रही कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की आज एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड या रिगार्डिंग। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं यहाँ पर।